मोटू होता जा रहा है, क्या चक्कर है तू? है चलो गुड। कुछ इस तरीके की सराय जहाँ पे ना बेसिकली सिंगल लोगों को रहने के लिए जगह मिलती है। और कल की रात आपका भाई ना इस 9 नंबर बेड पे सोया था, और ये मेरी अलमीरा है। बाकी मेरा ना सामान अभी इसी के अंदर पड़ा हुआ है, और अभी मैं जा रहा हूँ गुरुद्वारा साहब पे दर्शन करने के लिए। जो फैमिली वाले लोग आते हैं ना उनके लिए तो ऊपर रूम्स होते हैं, बट सिंगल मेरे जैसे लड़के आते हैं ना उनको ना बेसिकली रूम नहीं मिलता, उनको ना यहीं पर ही नीचे बेड मिलता होता है। और इस बेड के ना हम लोग देते हैं सिर्फ 50 रुपए एक रात के, और साथ में लॉकर भी होता है। तो लॉकर के अंदर आप सामान रखो और आराम से सो जाओ। आगे जो वॉशरूम है ना वो कॉमन होते हैं, तो वॉशरूम कॉमन वाली हम लोग यूज करते होते हैं, वॉशरूम एंड बाथरूम। बाकी यहाँ से हम निकलते हैं और अब चलते हैं सामने। देखो बिल्कुल ही सामने हमारे गुरुद्वारा पटना साहिब है, तो ठीक है वहाँ चल के बाबा जी के गुरुद्वारा साहब चल के दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं। बाकी आज का ब्लॉग हमारा यहीं से स्टार्ट हो रहा है। सो व्हाट्स अप गाइस, की हालचाल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। ये वाली जो सराय है ना, ये सराय बिल्कुल गुरुद्वारा के ना लंगर हॉल के पास में ही है। और यहाँ से आप जैसे ही अंदर एंटर करोगे ना साथ में ही लंगर हॉल, मतलब जब मर्जी आओ लंगर खाओ, सराय में रहो, गुरुद्वारे के आनंद मानो। वाह जी वाह। गाइस ये जगह गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म स्थान है, तख्त श्री गुरुद्वारा पटना साहिब। हाँ जी दर्शन करो जी। खुद ना कई बार कंफ्यूज हो जाता था कि इस गुरुद्वारे का नाम हमने पहले तख्त पटना साहिब लेना है या तख्त हरमंदर साहिब लेना है। तो इस बोर्ड पर ना मेरे को ना देखकर क्लियर हो गया, तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहिब। ठीक है, तो इस गुरुद्वारे का ये नाम है तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहिब। और ये गुरुद्वारे का ना मेन गेट है, यहाँ से गुरुद्वारा साहिब की एंट्रेंस है। और गुरुद्वारा साहिब जो है ना वैसे काफ़ी बड़ा है, और ये इसके आसपास इस तरीके से ना कुछ मार्केट है, कुछ गलियां हैं। ठीक है, चलते हैं देखते हैं, छोटा मोटा गलियां वगैरह एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि अपने को ना यहाँ पर क्या चीज़ दिखती है और क्या मतलब सारा माहौल है यहाँ का। वैसे तो देखो यार हम लोगों को पता ही है कि पटना के अंदर ना गरीबी बहुत है, बट यार गरीबी के साथ साथ ना ये बहुत ही अंडर डेवलप्ड है। बाकी मैं कल से पटना आया हुआ हूँ ना, तो मेरे को ये नारियल की ना इस टाइप से ना रेड़ियाँ बहुत दिख रही है, इस टाइप से नारियल यहाँ पे बिक रहा है। भाई देखियो कितना छोटा सा नारियल है ये। भैया कैसे दिया नारियल? 60 रुपये 70 रुपये का। ठीक है, वैसे ना मार्केट अभी खुली नहीं है, मार्केट ना पूरी की पूरी ना बंद ही पड़ी हुई है, सब दुकानें बंद ही बंद है अभी। और जो मेरे को दुकानें दिख रही है ना वो या तो ज्वेलरी है, साड़ियाँ हैं, पर ना दुकानें भी ना सारी छोटी छोटी दिख रही हैं। ओए ये तो केले का बच्चा है भाई, केले का बच्चा है ये। कैसे दिया ये? 40 रुपये के 12 छोटू सा केला है। और केला है ना ऐसा है जैसे स्नैक्स होते हैं ना, स्नैक्स की तरह खाने के लिए, एक ही बाइट में एक केला खत्म भाई। बाकी यहाँ पर भी ना सुबह सुबह के टाइम पे ना लोग पूड़ी आलू और जलेबी का नाश्ता कर रहे हैं। कि मैं ना आगे तक घूम कर आया हूँ, मेरे को ना यहाँ पर अभी तक ना सच्ची बताऊँ कोई भी ढंग का स्ट्रीट फूड नहीं दिखा। सॉरी यार, मतलब मेरे को ना स्ट्रीट फूड ना जो यहाँ पर मिल रहे हैं ना यार उनकी क्वालिटी ना मतलब बिल्कुल भी देख के ना समझ ही नहीं आई है, तो इसलिए मैंने खुद भी कुछ खाया नहीं है और ना ही अपनी वीडियो के अंदर भी ना कुछ दिखाया है। बट सॉरी यार मेरे को ना कुछ अच्छा दिखा नहीं है, जब कुछ अच्छा दिखेगा ना फिर वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे ब्लॉग के अंदर। अदरवाइज खाने पीने के लिए ना मेरे को यहाँ पर भी कोई ऑप्शन नहीं दिखी है। तो चलते हैं गुरुद्वारा से वापस, बाकी फ्रूट वूट खाते हैं अपना, ये और एक केला खाते हैं। देखो केला कितना ही छोटा है भाई, कितना ही छोटा सा केला है। बाकी दोबारा से ना उन्हीं गलियों में से, पतली पतली गलियों में से पटना साहिब वाले गुरुद्वारे से निकल कर मैं जा रहा हूँ बाल लीला साहिब वाले गुरुद्वारे, और मैं वहाँ जाके लंगर खाएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर यार जलेबियाँ बन रही है, मन कर रहा है खा लूँ बट यार खाऊंगा नहीं अभी, है ना, अभी जाके ना मैं लंगर ही खाऊंगा भाई। सचखंड रानी विशंबरा देवी जी का कमरा, वाहेगुरु दर्शन करो जी। मिक्स वेज की सब्जी, कड़ी पकौड़ा और साथ में मिली है मीठी सेवियां। गाइस लंगर ना बहुत ही ज्यादा टेस्टी था कि लंगर छक के आनंद आ गया। आप भी कभी इस साइड आओ ना तो इस वाले गुरुद्वारा साहब में ना लंगर जरूर एक बार जरूर ट्राई करना, छकना मतलब आपको ना आनंद आ जाएगा, सीरियसली बता रहा हूँ। बाकी एक चीज़ बताऊँ, यहाँ के लोगों की जो लैंग्वेज है ना वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल
बहुत ही प्यार वाली और हर बात में ना जी जी करके बोलने वाली लैंग्वेज है। लैंग्वेज मेरे को इनकी बहुत सही लगी यार। ये गुरुद्वारे की ना आसपास की गलियां हैं। जस्ट एक गुरुद्वारे से दूसरे गुरुद्वारे जा रहा था, गलियों के बीच बीच में से निकलता हुआ और लोगों के घरों के अंदर झांकता हुआ कि कहां पर कौन लोग कैसे रह रहे हैं, क्या हो रहा है, इधर जाना है कि उधर जाना है, एक बार इधर भी देख लूँ। कई वैसे ना यहाँ पर गरीबी बहुत है यहाँ पे। ओके ये हम आ गए हैं गुरुद्वारे की दूसरी वाली साइड पे। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। यहाँ पर भी खूब सारी गायें वैसे बांधी हुई है। चलो चले, पानी की पाइपलाइन देखना कैसे जा रही है भाई। मतलब जहाँ से दिल किया वहाँ से कट मारा और ऐसे से, मतलब ओपन पाइपलाइन है, अंडरग्राउंड पाइपलाइन नहीं है। अंडरग्राउंड बहुत बुरे हाल है यार यहाँ पे ना। ये देखो वो मेरे को इधर से जाना था, इधर से दूसरी तरफ से, और मैंने शेयरिंग वाला हवा हवाई किया है। और अभी इस टाइम पे मैं जा रहा हूँ कंगन घाट, गुरुद्वारा कंगन घाट। तो ठीक है वहाँ चलते हैं। और शेयरिंग के अपने ना यहाँ पर लग रहे हैं 50 रुपये। सो हम लोग पहुँच गए हैं कंगन घाट गुरुद्वारा साहब। और वैसे ये गुरुद्वारा ना मेन पटना साहब वाले गुरुद्वारे से ना सिर्फ 1 किलोमीटर दूर भी नहीं है, मतलब 1 किलोमीटर भी मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। अरे भाई साहब यहाँ पे तो किसी ने घोड़ा भी रखा हुआ है। ओए भाई साहब बड़ी सही हाइट वाला यार, अच्छी हाइट वाला घोड़ा यार ये, मतलब फुल साइज वाला घोड़ा। और उसको ना बांधा हुआ है, आगे भी बांधा हुआ है डबल डबल, और ना पीछे से ना पैर भी बांधे हुए हैं भाई। अरे भाई साहब तड़ा घोड़ा है वैसे, अच्छी हाइट वाला घोड़ा है, काफ़ी लंबा घोड़ा है। वीडियो पता नहीं इसको कितना जस्टिफाई कर रही होगी। ये देखो यहाँ से बांधा हुआ है इसको। सो हम लोग ना यहाँ पे ये नदी के किनारे आ गए हैं, गंगा जी के किनारे आ गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो गुरुद्वारा है ना, वैसे इधर गुरुद्वारा नहीं बनाया हुआ, जस्ट ऐसे ही इन्होंने ना गुंबद टाइप बनाया हुआ है एक जगह को सिर्फ रिकॉग्नाइज करने के लिए। बट जो मेन गुरुद्वारा था ना वो पीछे ही था। बाकी यहाँ पर कुछ ऐसे नज़ारे हैं, और ये देखो सामने ना लोग बोटिंग वगैरह करने भी जा रहे हैं। मैंने सुना है यहाँ पे ना पहलवान जी की जो रबड़ी है ना ये बहुत मशहूर है गंगा किनारे कंगन घाट पे। तो यहाँ पे ना इनकी जरा एक बारी रबड़ी ट्राई करते हैं। ठीक है, मन कर रहा है यार खा लेते हैं यार, आओ खाए। कितनी होगी, 50 ग्राम होगी, 25 ग्राम होगी? 50 ग्राम से थोड़ा कम होता है, थोड़ा कम होता है 50 ग्राम से। ठीक है, रबड़ी का टेस्ट ना बिल्कुल बर्फी की तरह था, बहुत बेसिक सा था, और मीठा बहुत कम था, मीठा नहीं था इसके अंदर, मीठा ना के बराबर था। बाकी सही है, 20 रुपये की थी, इतनी थी बढ़िया रही। कालू लस्सी, तो भाई यहाँ पे ना कुछ लस्सी की वैरायटी दिख रही है, कुछ शेक्स हैं, कुछ मॉकटेल्स हैं, कुछ आइसक्रीम स्कूप्स हैं, कॉफ़ी भी है। तो जरा चलते हैं देखते हैं एक बारी। बहुत बढ़िया भैया ने कॉफ़ी बहुत सही बनाई है, बहुत बढ़िया टेस्ट मिल गया भाई। गुरुद्वारा साहब के ना बिल्कुल सामने दुकान है, और यहाँ से मैंने कॉफ़ी ले ली। पीने में लस्सी आया था, फिर मैंने सोचा नहीं यार कॉफ़ी पीते हैं शाम का टाइम है ना, और वैसे भी ना मैं बहुत तगड़ा वाला ना कॉफ़ी लवर हूँ। सर 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 प्लीज़ 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 रुको सर, एक फ़ोटो दे के जाओ सर, एक फ़ोटो एक मोटू होता जा रहा है, क्या चक्कर है तू है? चलो गुड है। बाल लीला गुरुद्वारा साहब के लंगर हॉल में ना एक ही चीज़ मेरे को ना बहुत सही लगी, जब यात्री बेसिकली वापस जाते हैं ना घर वापस, तो उनको ना ये देखो ड्राई आलू और साथ में ना प्रसादे वगैरह पैक करके मिलते हैं, सो दैट कि रस्ते में सफर में आप खा सको। अर्श भाई जाएगा ना लेता जाइयो अपने लिए, ध्यान रखियो ठीक है, नहीं तो भाभी मेरे को मारेगी क्योंकि कुछ हमारे अर्श को खाली पेट भेज दिया है। ये तो देखो पैकिंग करके देते हैं पूरा। ओके मशीन लगी हुई है यार प्रॉपर ना पैक करके देने के लिए। ये देखो वीर जी थोड़ा सा ही पैक कर दो सिर्फ एक बंदे के लिए। वीर जी 2 प्रसादे दे दो नाल, और 2 प्रसादे भी मिलेंगे भाई। आलू देख बिल्कुल गरम गरम है। हाँ जी आलू भी गरम गरम है। ठीक है ठीक है, प्रसादे इसी के अंदर डलवा लेते हैं, अभी भी खुल के मिल जाएगा प्रसादे। ओके वो वैसे वो देखो अलग से ना दे रहे हैं, लंगर अपने को ना पैक करके यहाँ पर मिल गया रस्ते के लिए। गुरुद्वारा साहब के बहुत सुंदर दर्शन करके और बाबा जी के आगे अरदास करके ब्लेसिंग के लिए सारे काम बहुत बढ़िया से करके यहाँ से हम निकल रहे हैं स्टेशन के लिए, क्योंकि अभी मेरी ट्रेन है दिल्ली के लिए। तो चलते हैं, और यहाँ से ना मैं बैटरी रिक्शा या ऑटो जो भी मिलेगा ना उसको करूंगा, और पटना जंक्शन तक मेरे को जाना है। सो ऑटो कर लिया भाई, और यहाँ पे जो ऑटो है ना ये देखो यार बहुत सही सी ऑटो ने अंदर से ना डेकोरेट करे होते हैं, मतलब हर ऑटो के अंदर एक अलग ही तरीके का इंटीरियर हुआ हुआ है। जिसमें मैं आया था उसके अंदर पूरा ऊपर डिस्को लाइट वाला सिस्टम था, और यहाँ पे इन्होंने ऐसे ना झालर वगैरह लगाई हुई है। बाकी सही है बढ़िया, चलो चलते हैं यार। ऑटो ना मेरे को गुरुद्वारा साहब के बाहर से ही मिल गए। ये भाई बहुत सही चीज बनाई हुई है, बड़े आराम से ना इंसान अपना हैवी सामान को ना लेके नीचे भी उतर जाएगा ऊपर भी चढ़ जाएगा,
मेरे को लगता है कि ना जो सीढ़ियाँ होती है ना, सीढ़ियों से ना ये ज़्यादा बड़ी है। मैं भी इसके अंदर ना बड़े मज़े से ना आराम से ना नीचे उतरता हुआ जा रहा हूँ। और अगर अपने पास जैसे सूटकेस हो पहियों वाला, तो उसको भी बंदा आराम से ऊपर लेकर आएगा। पहले ना मैं उस साइड पर गया था, बट वहाँ से ना मैं इधर आ गया हूँ। इधर पता क्यों आया हूँ? क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे ना कोई ना स्पीकर वगैरह माइक वगैरह लगा नहीं हुआ अनाउंसमेंट वाले भैया, वो ना इतना बोलते हैं, इतना शोर मचाते हैं ना कि सिर दुखने लग जाता है। इस चक्कर से ना मैं यहाँ पर आ गया हूँ। और वैसे भी ना अभी मेरी ट्रेन को आने में ना अभी एक घंटा है, तो यहाँ पर ना वेट करते हैं थोड़ी देर, ठीक है। बाकी मैं बता देता हूँ, जो मेरी आज वाली ट्रेन है ना, वो भी बड़ी मस्त ट्रेन होने वाली है। और इस ट्रेन के अंदर ना मैं पहली बार ही बैठूंगा अपनी ज़िंदगी में, इससे पहले कभी भी नहीं बैठा। ये एक्चुअली मैंने अभी इमरजेंसी में ले ली है, ले इस चक्कर से लिया है क्योंकि मेरे को ना वापस जाना है दिल्ली, कुछ काम है ज़रूरी। अदरवाइज मेरा सीन ना कुछ और था, इससे बढ़िया वाला सीन था। उन सारी चीज़ों के बारे में ना मैं आगे वाले ब्लॉग में बताऊंगा कि अभी आगे इसके बाद का मेरा क्या सीन बनने वाला है, बट जल्दी बता दूंगा उसके बारे में भी ना। ये ट्रेन खड़ी हुई है मेरे सामने, हम सफ़र बेसिकली ये जा रही है मैसूर साइड पर। और यार इसका ना बॉक्स, ये वाला जो कोच है ना, देखो कितना ही सुंदर लग रहा है। वैसे ये एसी कोच है इस करके ऐसे है, बट बाहर जो इसके वर्क हुआ है ना, ये बहुत सुंदर लग रहा है। बाकी अभी अपनी ट्रेन आनी बाकी है, तो उसकी हम वेट कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के। हाँ जी भाई, कसम से इसने ना सिर दर्द कर दिया है, कंटिन्यू बोली जा रहे हैं सिर दर्द कर दिया है। ये दो बंदे बड़े मजे से आए नीचे आके, इन्होंने ना गत्ते की पेटी बिछाई और उसके ऊपर खुद लेट गए चद्दर वगैरह लेके, और मजे से ना गहरी नींद में सो गए हैं भाई, खराटे मार रहे हैं। इनको देख के ना मेरे को भी नींद आ गई है भाई। भाई मेरा जो कोच है ना, वो बहुत ही पीछे आया है, नंबर यहाँ पे लिखा हुआ था बट रुका, वो पीछे कहीं पर है, तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। और ना इस ट्रेन की ना एक खासियत है कि ये सिर्फ यहाँ पे ना 5 मिनट के लिए रुकती है, 5 मिनट से ऊपर रुकेगी नहीं। और मेरा जो डब्बा है ना, अभी आया है B8 और मेरा है B11, तो मतलब अभी 3-4 बॉक्सेस और आगे जाना है भाई। मेरा ना ये पहले वाला कैबिन है, इसका ना ये नुकसान है कि भाई जो आएगा दरवाजे को ऐसे हिलाता जुलाता जाएगा और भैया ना नींद डिस्टर्ब होती रहेगी, ये नुकसान हो गया भाई। पहले वाला कैबिन मिल गया ना ये वाला। ट्रेन अपनी ना पटना जंक्शन से बिल्कुल टाइम से निकल पड़ी है, और देखो वो रहा पीछे रह गया प्लेटफॉर्म स्टेशन, और वो पीछे रह गया स्टेशन पटना जंक्शन का, और यहाँ से हमारी ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम निकल पड़ी है। बाकी भाई अपने पास ना ये बेडशीट वगैरह आ गई है, बिल्कुल पैक पैकेट है, देखते हैं अंदर माल फ्रेश है कि नहीं है, देख लेते हैं एक बारी, इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। अरे खुल भाई, ठीक है जी। तो ये वैसे ये जो ऊपर का कवर है ना, ये पुराना लग रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों, इसको फाड़ देता हूँ ताकि दोबारा काम ना आए कभी इनका, पुराना सा लग रहा है ये। और बेडशीट वगैरह भी ना वैसे इतनी साफ नहीं है, गंदी है, सही बताऊँ ये देखो दाग लगे हुए हैं, यहाँ से गंदी है, अंधेरा है ना दिख नहीं रहा, बड़ी गंदी है ये। ये देखो क्या हालत हुई पड़ी है इसकी, ये देखो जरा कैसे गंदी गंदी हुई पड़ी है। भाई भूख लग रही है, तो अब लंगर खाते हैं, जो गुरुद्वारे थे ना पैक करके लेकर आए थे, ये रहा अपना लंगर, और लंगर खोलते हैं फिर खाते हैं, ठीक है। भाई 4 प्रसादे दे दिए गुरुद्वारे वालों ने, मैं जबकि ना 2 ही खाता होता हूँ रात को टाइम पे ना, 200 पर कभी मैंने खाए नहीं है, बट अब गुरुद्वारे से मिला ना तो खाना ही पड़ेगा। और ये साथ में ना आलू की सब्जी मिली हुई है भाई, बहुत सही है, मतलब देखो मज़ा ही आ गया ना मेरे को ये वाला। सारी रात ये दरवाज़ा ना मतलब खड़कता ही रहा, हर 10 मिनट के बाद खड़कता है, पूरी रात ना नींद नहीं आई ढंग से, सो नहीं पाया, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। ऊपर से इन्होंने ये जो मेरे को बेडशीट वगैरह दी ना, ये भी सारी की सारी गंदी थी, प्लस यहाँ पे ना कॉकरोच घूम रहे हैं भाई बहुत सारे, बहुत बेकार ट्रेन है। वॉशरूम वगैरह दिखाऊंगा ना, इतने गंदे हैं पूछो मत, बहुत गंदे। सो फाइनली जी अपनी ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल पहुंच गई है, और मैं बताऊं ये ट्रेन ना ऑलमोस्ट 50 मिनट लेट आई है। सेकंडली इस ट्रेन के अंदर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा ना, वो बिल्कुल बेकार रहा है, बेकार इस चक्कर से रहा है क्योंकि इस ट्रेन के अंदर ना बहुत सारे कॉकरोचेस थे मेरे कोच में, और भाई रात को ना वो इतने घूम रहे थे ना आसपास, इनफैक्ट 3-4 बारी तो ना कॉकरोचेस को ना मैंने उठा के ना अपनी सीट से ना नीचे फेंका, बेसिकली मेरे साइड वाली जो दीवार होती है ना वहाँ पर घूम रहे थे। वीडियो नहीं बनाई मैंने उस टाइम पे, बिकॉज मैं खुद ना उस टाइम पे सोने की हालत था, बट जब कॉकरोच देखा तो नींद खुल गई और मैंने कहा भाई ये कैसी की ट्रेन है। आई डोंट नो, गाड़ी के अंदर सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा हुआ, टॉयलेट्स इतने गंदे हैं कि पूछो मत भाई। बोले डोर बंद भी हो गए, बड़ी जल्दी बंद हो गए भाई, बाहर आते ही हमारे हैं। बाकी यार आई होप कि आपको हमारी आज वाली वीडियो के अंदर मजा आया होगा, मजा आया तो वीडियो को लाइक करना, यारों दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और भाई को सपोर्ट करना। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू टू ऑल एंड लव यू। अब आगे एक जगह पे और मैं बहुत जल्दी ही ट्रैवल करने वाला हूँ, सो वहाँ पर भी भाई बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, उसी के लिए मैं ना दिल्ली वापस आया हूँ, क्योंकि अब आगे ना दूसरी जगह जाना है। हाँ जी चलते हैं।